गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राकेश वडोला आपका कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी विषय के व्याख्यान को आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे साहित्य समाज का दर्पण है। इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे जो है इस टॉपिक को बढ़ाएंगे। साहित्य समाज का दर्पण है, इसमें हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि साहित्य के उद्देश्य क्या है। सॉरी, तो साहित्य सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि जो उद्देश्य है या जिसको हम प्रयोजन भी कहते हैं, इसका क्या अर्थ होता है, उद्देश्य क्या होता है, क्यों होता है। तो जिन बातों को लक्ष्य में रखकर कोई भी साहित्यकार, कोई भी रचनाकार किसी साहित्य की रचना करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, काव्य प्रयोजन। भारतीय और जो पाश्चात्य वेस्टर्न के विद्वान हैं, उन्होंने अपने अपने ढंग से साहित्य के उद्देश्यों पर विचार किया है। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत काव्य शास्त्र के आदि आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में जनहित एवं आनंद प्राप्ति को काव्य के प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया है। इधर ही हम आचार्य मम्मट की बात करें तो उन्होंने काव्य उद्देश्यों पर विस्तार से विचार करते हुए 6 काव्य प्रयोजन माने हैं। आचार्य मम्मट ने 6 काव्य प्रयोजन माने हैं: यश की प्राप्ति, संपत्ति लाभ, सामाजिक व्यवहार की शिक्षा, रोगादि विपत्तियों के नाश, उच्च कोटि की आनंदभूति और प्रिया के समान मधुर उपदेश देने के लिए वो मानते हैं कि साहित्य की रचना की जाती है। पाश्चात्य जो समीक्षक हुए हैं, उनमें बात करें हम, अरस्तु थे, सुकरात थे, वर्ड्सवर्थ थे, आर्नोल्ड थे, इन्होंने भी आनंद और लोक शिक्षा को ही काव्य का प्रयोजन, काव्य का उद्देश्य माना है। कुछ पाश्चात्य आलोचक जो थे, उन्होंने काव्य को कला मानते हुए, जो कुछ वेस्टर्न जो आलोचक थे, उन्होंने काव्य को कला मानते हुए उसके उद्देश्य के संबंध में कुछ मत दिए हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ये जो मत हैं, ये जो उद्देश्य हैं, ये कुछ पाश्चात्य आलोचकों ने ये कहा कि काव्य एक कला है, और उसको ध्यान में रखते हुए इन उद्देश्यों को आपके सामने उन्होंने रखा। कला कला के लिए, कला जीवन से पलायन के लिए, कला आनंद के लिए, कला विनोद के लिए, कला सेवा के लिए, कला आत्मानुभूति के लिए, कला जीवन में प्रविष्ट होने के लिए, कला जीवन के लिए, कला सृजन की अदम्य आकांक्षा के लिए। तो हम इसको देखते हैं तो हमें ये लगता है कि जो पाश्चात्य विद्वानों के ये मत हैं वो एकांगी दृष्टिकोण पर आधारित है। और ये बात भी ध्यान में रखनी है कि सभी रचनाकारों का उद्देश्य एक सा नहीं होता है। ये जो उद्देश्य आपके सामने रखे गए हैं, ये पाश्चात्य आलोचकों का मानना है, जिन्होंने ये कहा है कि काव्य एक कला है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने साहित्य के उन उद्देश्यों का वर्णन किया है। अब फिर उसके आगे बात आती है कि साहित्य समाज के मूल्यों को स्वीकार करता है। इससे हम साहित्य और समाज के बीच के संबंध को देखते हैं। साहित्य समाज के मूल्यों को स्वीकार करता है। देखिए, साहित्य और समाज में अन्योन्याश्रित संबंध होता है, यानी साहित्यकार जो है वो समाज की ही इकाई होता है, इसलिए वो समाज के मूल्यों को स्वीकार करता है और इसकी रुचियों का विरोध करता है। अलग अलग समाजों के मूल्य अलग अलग होते हैं, इसलिए मानव के स्थायी भाव समान होने पर भी विभिन्न समाजों का साहित्य भिन्न भिन्न होता है। कवि जो होता है या जो लेखक होता है, वो जिस समय अपनी काव्य का या अपनी लेखनी से कुछ लिखता है, उस समय का प्रतिनिधि होता है।
उसको जैसा जैसा मानसिक खाद मिलता है, यानी जैसे जैसे उसके दिमाग में बातें आती रहती हैं उसकी वैसी ही कृति होती हैं, यानी जो वो सोचता है उसको अपनी कृति में ढाल देता है। वो ऐसी बात कहता है जिसको सब अनुभव करते हैं लेकिन जिसको सभी लोग कह नहीं सकते। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य को समाज का दर्पण ही स्वीकार करते हुए लिखते हैं। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि जिस प्रकार दर्पण में हम जो कुछ हैं वही देख पाते हैं, उसी प्रकार साहित्य रूपी दर्पण में समाज का यथार्थ दर्पण की भांति ही प्रतिबिंबित होने लगता है। दूसरे हम संबंध की बात करते हैं। साहित्य सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति होता है। इसके अंतर्गत जैसे सामाजिक जीवन के दुख सुख, आशा निराशा, सफलता विफलता, युवा वृद्ध, स्त्री पुरुष का हृदय और मस्तिष्क साहित्य में स्पंदित होता है। जिन समाजों में साहित्य नहीं होता उनके हृदय और मस्तिष्क की गतिविधियों का लेखा जोखा पाना असंभव पर्याय हो जाता है। यानी जो ऐसे साहित्य विहीन समाज के विचार क्षणभंगुर होते हैं। फिर साहित्य और समाज के संबंध को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण इसीलिए कहा जाता है कि यदि समाज का पतन होगा तो साहित्य का पतन भी होगा, यदि समाज ऊपर उठेगा तो साहित्य भी ऊपर उठेगा। इसलिए उसने कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है। फिर ये बात करता है कि साहित्य द्वारा प्राप्त विजय चिर स्थाई होती है। साहित्य से जो भी विजय प्राप्त होगी, क्योंकि साहित्य की जो रचना की जाएगी, जो भी कवि अपने साहित्य में जो भी बातें लिखता है वो समाज से सीखे हुए अनुभव को अपनी कृतियों में उतारने का पूरा पूरा प्रयास करता है और यही समाज के विचार चिर स्थाई साहित्य का निर्माण करते हैं। फिर आता है साहित्य समाज के उत्थान में पतन एवं सेतु। देखिए, जिस प्रकार हम ये बता रहे हैं कि साहित्य समाज के उत्थान में और पतन में भी सेतु का काम करता है, इसका अर्थ यह है कि साहित्य में जब उच्च श्रृंखलता बढ़ती है तो उसका समाज पर कुप्रभाव भी पड़ता है। आजकल हम देखते हैं कि अमेरिका और यूरोप में ऐसे साहित्य का प्रचार बढ़ रहा है जो अश्लील है, तो उसका क्या परिणाम निकला? उसके परिणाम स्वरूप वहाँ नैतिक पतन सीमा पार कर गया है। वहाँ परिवार प्रथा नहीं है, परिवार प्रथा समाप्त हो गई है। वहाँ नारी जो है शील जैसी धारणा नहीं रह गई है। वहाँ पर हम देखने को मिलते हैं कि अनमैरिड मदर यानी अविवाहित मातृत्व अब वहाँ का धर्म बन गया है। तो ये इससे इसको कोरिलेट करते हैं कि यदि समाज का उत्थान चाहिए तो साहित्य का बहुत अच्छा फर्क उस पर पड़ता है। यदि साहित्य अच्छा होगा तो वहाँ का समाज भी अच्छा होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए उसने कहा कि साहित्य समाज के उत्थान व पतन में एक सेतु का कार्य करता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि साहित्य समाज का प्रतिबिंब ही नहीं है बल्कि उसका पथ प्रदर्शक भी है, और साहित्य और समाज परस्पर अन्योन्याश्रित है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। स्वस्थ शरीर के लिए जिस प्रकार पौष्टिक भोजन और शुद्ध वायु आवश्यक है, उसी प्रकार स्वस्थ मस्तिष्क के लिए उच्च कोटि का साहित्य अपेक्षित है। तो इस तरीके से हमने साहित्य समाज का दर्पण है इसको समझा, जिसमें हमने साहित्य के उद्देश्य देखे, जिसमें हमने साहित्य और समाज के संबंधों को भी देखा। आज के इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।